गाड़ी का आदमी आते हैं गाड़ी वाला। हाँ भाई उमेर भाई बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये जगह है, ये सिविक सेंटर एक्सपो सेंटर है। इधर के एसएसपी मकसूद मेमन साहब जो तराबी के दौरान आवाम के ऊपर तशद्दुद और दूसरी बात स्पीकर उठा के ले गए तराबियों के लिए, कह के मुझे सोने के अंदर डिस्टर्ब होता हूँ, कि मैं शराब जब पी के सो रहा होता हूँ मुझे डिस्टर्ब होता है, मुझे अल्लाह कुरान से बिल्कुल सुनना नहीं है मुझे। और बाकायदा जो जमील राठौर साहब तराबी पढ़ाते हैं हर साल की तरह, पिछले साल भी उनको धमकी दी जा रही थी और इस साल तो उनको कुछ एक्स्ट्रा धमकी देने के बाद तराबी से पहले ही एक हफ्ता पहले उनके घर पर डीएसपी साहब माजर करके आए, सर के आप स्पीकर की आवाज़ स्लो रखिएगा। अभी भी तराबी के दौरान एक पुलिस वाला आया जो उसने बोला आप बंद कर दें इसको। बोला भाई क्यों बंद कर दूँ? बोले हमारे एसएसपी साहब का हुआ है, एसएसपी कौन? मकसूद मेहमान साहब जिन्होंने कहा है, और रात में भी कल रात को भी स्पीकर उठा के इनके ले गए और बाकायदा स्पीकर वाले को मारा है खतरनाक तरीके से, थप्पड़ों के साथ स्वागत करा और जमील लाठो साहब को धमकी भी मिल रही है इस मामले के ऊपर। आप देख सकते हैं कि पूरा इस बात का ही धरना चला हुआ है। मकसूद मेहमान साहब ने कहा है कि मैं जरदारी का राइट हैंड हूँ और मेरा बिलावल हाउस के अंदर बैठा हूँ, आईजी तो मुझसे डरता है, मैं आईजी से डरता हूँ, जरदारी का राइट हैंड हूँ भाई मैं जरदारी साहब का। शॉप का शेयर मार, शॉप का शेयर मार।